हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ अहमदाबाद की सबसे चीपेस्ट मार्केट में, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे सबसे चीपेस्ट मार्केट कौन सी है। मुझे भी पहले प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था कि चीपेस्ट मार्केट कौन सी है, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सर्च किया है, उसके बाद मुझे पता चला है इस मार्केट के बारे में जहाँ मैं आज आप लोगों को लेके आई हूँ। पहले मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छा है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इस मार्केट का नाम है लाल दरवाज़ा मार्केट, और काफ़ी फेमस मार्केट है और काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। और इस मार्केट में पहुंचने के लिए हमें भादरा फोर्ट रोड का इस्तेमाल करना होता है, यूज़ करना होता है। आप इस मार्केट में जाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं, आप किसी भी ऑटो से या फिर अपने व्हीकल से आते हैं तो लोकेशन में डालिए, बहुत ईजिली वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बहुत सिंपल रास्ता है वहाँ का। फिर वहाँ पे आपको फ्रेंड्स हो सके तो आप अपने व्हीकल इस मार्केट में मत ले जाइए, क्योंकि काफ़ी इसमें रश रहता है। आपको अगर आप वॉकिंग से ही इस मार्केट में शॉपिंग करेंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि व्हीकल लेके जाना बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम है और बहुत ही रिस्की काम रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऑटो वगैरह चलते रहते हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है, रश रहता है इसमें। और हो सके तो फ्रेंड्स इसमें आप वीकडेज में जाए, वीकेंड्स में काफ़ी रश रहता है, और इवनिंग में इसको अवॉइड करें जाना, और आप दिन के टाइम ही इसमें जा सकते हो। काफ़ी अच्छा इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं, इसमें मोस्टली किड्स वियर बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, काफ़ी डिज़ाइंस रहते हैं, और गर्ल्स के लिए तो ऑप्शन इतने सारे हैं इस मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है कि जितनी भी यहाँ पे शॉप्स बनी है वो फुटपाथ पे ही शॉप लगी हुई हैं, भादरा फोर्ट से और तीन दरवाज़ा तक, लाल दरवाज़ा को फ्रेंड्स तीन दरवाज़ा भी बोलते हैं, तो वहाँ तक यहाँ पर फुटपाथ पर लगी हुई है, और पीछे इसमें होलसेल मार्केट दी हुई है। चलिए, और मैं आपको दिखाती रहूँगी अपनी इस वीडियो में कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम इस मार्केट में घूमे हैं, वो आप देखते रहिए इस वीडियो में। कितने की है भैया? 850। शेड यही होगा इसमें, और भी मिल जाएंगे शेड? शेड दूसरा है, दूसरा गाजर कलर आएगा, और पैटर्न सेम यही रहेगा या ऐसा कुछ अलग? नहीं, डिजाइनिंग जैसे इसका ये है, बाजू में लाइनिंग वाला लगा है। ये वाले फ्रेंड्स, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि अगर आपका बार्गेनिंग स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह की मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस पे, मींस कम प्राइस पे आप अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की मार्केट में आपका जो बार्गेनिंग स्किल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंसान को, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको जो बार्गेनिंग आनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको बार्गेनिंग अच्छे से आती है तो आप इस तरह की मार्केट में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत से जो सेलर्स रहते हैं वो इस तरह की मार्केट में बंदे को सस्ती चीज़ों को महंगा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो बार्गेनिंग है वो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इस तरह की ये कुर्ती है, मैंने यहाँ पे देखा था, तो ये कुर्ती उसने सेलर ने मुझे बताई थी कि ये 200 की कुर्ती है, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं 150 ही दूंगी इसके, तो वो उसने काफ़ी बार्गेनिंग की, उसने बोला नहीं 200 फिक्स प्राइस है। फिर इन द लास्ट हम वहाँ से निकल लिए कि ठीक है, हम नहीं लेना है, अगर आपको 150 की देना है तो ठीक है। तो फिर उन्होंने वो 150 की वो कुर्ती हम लोगों को दे दिया था। और इस मार्केट में फुटवियर, बच्चों के फुटवियर और बड़ों के फुटवियर बहुत अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। जो आप ये फुटवियर देख रहे हैं ये सिर्फ ओनली 100 रुपीज़ की ही है, यार 100 रुपीज़ में आता ही क्या है। आप देख सकते हो कितने सुंदर फुटवियर बच्चों के मिल रहे हैं, जिसमें से एक पेयर मेरी बेटी ने भी अपने लिए लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक ज्वेलरी शॉप पे गए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ज्वेलरीज थी, तो अच्छे प्राइस पे मिल रही थी वो ज्वेलरीज़।
देखिए इसके पास गाउन थे, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हैं इनके पास। इनके पास काफ़ी क्लिप्स हैं, ब्रासलेट्स हैं, ईयरिंग्स हैं और क्राउन्स भी है बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे यहाँ पर मिल रहा था। और बार्गेनिंग करने से तो और भी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, मीन्स कम प्राइस में आप ले सकते थे इन सब चीज़ों को। ये जो क्लिप्स हैं ये फ्रेंड्स ओनली 10 रुपीज़ का क्लिप का पूरा ये पैकेट मिल रहा था, तो यार 10 रुपीज़ में आता ही क्या है। आप देख सकते हो कितनी सारी क्लिप्स, हेयर क्लिप्स मिल रही हैं 10 रुपीज़ में। देखिए वो सामने ये 3 दरवाज़ा बना हुआ है, इसको लाल दरवाज़ा और 3 दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेंट्स के लिए फुटवियर भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी न्यू न्यू डिज़ाइंस थे इसमें। क्योंकि फ्रेंड्स हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरह की मार्केट में आप अच्छे से बार्गेनिंग करके कम प्राइस में आप अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए मेरी मेरी बेटी ने जैसे कि क्राउन की ज़िद की, मेरे को ये क्राउन लेना है, तो ये क्राउन बैंड लिया है उसने, तो वो ओनली 50 रुपीज़ का यार, 50 रुपीज़ में इतना स्टोन वर्क का क्राउन मिल रहा है और क्या चाहिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर क्राउन थे, मतलब डिज़ाइंस वहाँ पे काफ़ी सारे थे। और ये पर्स तो मुझे बहुत ही अच्छी बेस्ट डील लगी थी, ओनली 100 रुपीज़। आप खुद ही सुनिए कि ये भैया आप क्या बोल रहे हैं। देखा फ्रेंड्स, ओनली 100 रुपीज़ के ये पर्स मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे पर्स मिल रहे थे। और देखिए अब हम पहुँच रहे हैं यहाँ 3 दरवाज़ा पे, इसको हमने क्रॉस करके फिर उधर तो और भी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं। वहाँ पे पर्स का तो इतना कलेक्शन है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, आप न्यू न्यू डिज़ाइंस में आपको पर्स मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बाहर शॉप्स बनी हुई फुटपाथ है उसके जस्ट पीछे ही ये अंदर जाते हैं, और तब इस तरह के यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है। तो यहाँ पे जब हम इस में गए तो यहाँ पे पहले ही एक कॉस्मेटिक की शॉप थी जहाँ पे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस था, तो मेरे को अच्छे लगे थे ये प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स मैं इन द लास्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस तरह की मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो प्लीज़ अपने पर्स का अच्छे से बी केयरफुल फॉर योर पर्स, आप अपने पर्स को अच्छे से कैरी कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए उसका, क्योंकि इस तरह की भीड़ में थोड़ा सा क्राइम होने का डर रहता है। बस बी केयरफुल एंड शॉपिंग, ओके। और बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट के थ्रू मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको इस तरह आप इस मार्केट में गए तो आपको कैसा लगा, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिले या नहीं मिले, जो भी है जैसा भी एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा जो भी है, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।